शनिवार से शुरू हुए चैत्र नवरात्र की धूम गोरखपुर के सभी माता मंदिरों में देखी जा रही है। महानगर से लगभग 15 किलोमीटर दूर कुसमी जंगल में बुढ़िया माई का एक पुराना मंदिर है। यहां दोनों नवरात्र चैत्र और शारदी के अलावा आम दिनों में भी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। यहां जागता जालपा देवी के रूप में प्रसिद्ध बुढ़िया माई की शक्ति चमत्कार है। आसपास के लोगों के अनुसार यह बुढ़िया माता जिससे नाराज हो जाती थी उसका सर्वनाश हो जाता था और जिससे प्रसन्न हो जाती थी उसका हर मनोकामना पूरी कर देती थी। बुढ़िया माता मंदिर पहुंचने पर आपको वहां दो मुख्य मंदिर है, एक नदी उस पार मंदिर है जिसे पुराना बुढ़िया माता मंदिर कहा जाता है और नदी इस पार प्राचीन बुढ़िया माता मंदिर स्थित है। चैत्र रामनवमी की अष्टमी पर बुढ़िया माता के मंदिर में श्रद्धालु पहुँचे और पूजा अर्चना कर माता के दर्शन किया। बुढ़िया माता मंदिर में प्रदर्शन करने भक्त दूर दूर से देवी माँ के दर्शन करने पहुंचते हैं। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए श्रद्धालुओं ने बताया। ओम जयंति मंगलाकारी भद्रकाली दुर्गा शर्मा शिवाधात्री स्वाहा सदा नमस्ते आदित्य नमः स्वाहा सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भये व्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे दुर्गस्तुते स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सूर्येश्वरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे महालक्ष्मी नमः स्वाहा स्वाहा। ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यं सुतान्वितं मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय स्वदेवि सूजयि स्वाहा स्वाहा। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम तुम दुर्गाय नमः स्वाहा स्वाहा। हाथ जोड़ के माँ भगवती से प्रार्थना करिए। माँ श्री श्री 108 श्री बुढ़िया माता इस यज्ञ में हम सभी सादर आमंत्रित हैं। बिरजा माता बल पर जायता हूँ नमः स्वाहा। बिरजा माता बल पर जायता हूँ नमः स्वाहा। बिरजा माता बल पर जायता हूँ नमः स्वाहा। बिरजा माता बल पर जायता ओम नमः स्वाहा। बिरजा माता बल पर जायता हूँ नमः स्वाहा। बिरजा माता बल पर जायता ओम 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 नमः स्वाहा। मंदिर कब से आ रहे मंदिर बहुत दिन से हम पूजा करते हैं। यहाँ पे जग हर साल हर नवमी में होता है नवरात्र। यहाँ पुजारी कराते कामना पूरा करेगा हर नवमी में होता है। हाँ माता जी की पूजा करती हैं हम हर नवरात्र में हम जग कराते हैं। मंदिर आते रहते हैं साल के और दिनों में भी और नवरात्र में खास करके ज़्यादा माता का बड़ा महात्म है यहाँ का बुढ़िया माता मंदिर। यहाँ गोरखपुर के लोगों के अलावा और भी अन्य जगह के लोग भी आते हैं, दूर दूर से लोग माता का दर्शन करने के लिए आते हैं। नवरात्र के दिनों में तो आप देख ही रहे हैं काफ़ी भीड़ है, अन्य दिनों में भी काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं। आम मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ दर्शन करने से।
माता की बड़ी कृपा है हम लोगों पे, इसलिए माता के दर्शन करने हर साल आते रहते हैं। प्रदीप राजभर, कम से हर दो हर नवरात्र हर छः महीने में नवरात्र पड़ता है, साल में दो बार हमेशा आते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं, दर्शन करके यहाँ पे घूमते बहुत अच्छा लगता है हमको। कुसमी जंगल से रहते हैं जब वनटांगिया में, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे माता जी बहुत अच्छे हैं, हमेशा पैर छूते हैं उनका, गुरुद्वारे के यहाँ घूमते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमको। हर ठहर से मंदिर पे अच्छा लगता है हमको, माता जी के मंदिर पे कुसमी जंगल में। हमारा नाम है धूपेंद्र तिवारी, हाटा से आए हैं माता जी के दर्शन करने। जो अरे यहाँ हम दसों साल से आते हैं, हाँ और क्या, माता बहुत अच्छी है, जो दर्शन करता है उससे बहुत लाभ मिलता है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सब। मेरा नाम मीरा पांडे है जी, हम शुरू से ही आते हैं, बहुत छोटे पर से ही आते हैं। मंदिर बहुत छोटे से तभी से आ रहे हैं सर। माँ के ऊपर माँ की बहुत बड़ी कृपा है, वो बहुत दयालु हैं, सबको आशीर्वाद देती हैं और बहुत जागता भी हैं, विश्वास है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी रोड की दिक्कत है सर, तो रोड का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन रोड बन जाएगा तो अच्छा रहेगा जी। हम से माता पर श्रद्धा रखते हैं और तब से कंटिन्यू दोनों नवरात्र में हम लोगों का आना जाना रहता है, माता का विशेष कृपा हम लोगों पर रहता है जी। हाँ मंदिर में कोई दिक्कत नहीं है, आस्था का प्रश्न है, आस्था पूर्वक आते हैं, थोड़ी बहुत तो दिक्कत हर मंदिर में होती है, ऐसी कोई बात नहीं है, माता का आस्था देख के हम लोग आते हैं बस। अरविंद कुमार उपाध्याय। उपाध्याय जी, माता जी का हवन कब से चल रहा है और क्या महत्व है? देखिए यहाँ तो यज्ञ 25 साल से चल रहा है, ये यज्ञ का आज सप्तम दिवस है। यज्ञ का निर्धारित हवन हम लोग 2.5 लाख टारगेट रखे हैं, जिस यज्ञ में 2.5 लाख हवन होता है तो निश्चित तौर से आप पूरे ब्रह्मांड में इसकी जो धुआं जाता है, पहले तो वातावरण को शुद्ध करता है, मानसिक तनाव दूर करता है, और यज्ञ के हवन करने से संपूर्ण भारतवर्ष में शक्ति मिलता है, जो पहले देव लोग करते थे, बड़े बड़े ऋषि महात्मा करते थे। दुर्भाग्य है कि हर गांव में यज्ञ होता है लेकिन इस तरह का हवन नहीं हो पाता है, सौभाग्य है कि बुढ़िया माँ के दरबार में संपूर्ण व्यवस्था से हवन होता है। और निश्चित तौर से हवन करने से धन धान की पूर्णता होती है, शास्त्रों में श्लोक आता है जन्मांतर भवित पुण्यम तदा भागवतम लभेत, उसके अंतर्गत कहा गया है कि जब जन्म जन्मांतर पुण्य पुण्यांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर कयो जन्म का पूरा होता है, पूर्ण उदय होता है, तो व्यक्ति को हवन करने का अवसर मिलता है। और ये यज्ञशाला के अंदर जो वर्णित यजमान है उनके द्वारा हवन होता है। हवन जैसा कि आपने पूछा हवन करने से लाभ क्या है, तो इसके मुख्यतः 3 लाभ हैं, आत्मशांति, पर्यावरण को शुद्ध करना और अखिल ब्रह्मांड के अंदर शक्ति लाना, जैसा कि परंपरा है ये माँ बुढ़िया माता का यज्ञ चल रहा है, यज्ञ का प्राचीन परंपरा है जैसा कि दुर्गा सप्तशती में कहा गया है। अत्यधिक क्या कहा जाए, किम बहुना अधिक क्या हम कहें, इस यज्ञ का महत्व पूरे संसार के लोग जानते हैं, क्योंकि भारत में 4 नवरात्र होता है, 2 को सभी लोग जानते हैं, चैत्र रामनवमी और कुंवार का जो होता है, तो प्राचीनतम इस चैत्र रामनवमी यज्ञ हर वर्ष होता है, इसी तरह का होता है जन कल्याण के लिए। जय हिंद, जय भारत।